वो जी लास्ट व्लॉग में ना आपको वॉइस का प्रॉब्लम दिखा होगा, वो मुझसे बाई मिस्टेक ना उससे सॉफ्टवेयर से मैंने ये एडिट किया था ना, वो पहली बार यूज किया था और मैंने वॉल्यूम उसमें बढ़ा दिया, थोड़ा इंक्रीज करने का वो था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, जिसकी वजह से कि आपको वॉइस का बहुत प्रॉब्लम हुआ, अब नहीं होगा आगे। तो इतनी दूर खड़े होकर इन्हें पता भी नहीं कि इनका पीछे से वीडियो बना रहे हैं, इनका जो काम चल रहा है उसका। ये है मेन टेम्पल यहाँ पे अगुंदेश्वर टेम्पल भाई, बहुत मुश्किल से बड़ा परेशान हो गए तब मिला ये रहा यहाँ पे। आधी जान बाहर आई भाई, कुछ भी हो दारू जब फूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है, लॉकडाउन में मुझे ये चीज महसूस हुई, एहसास हुआ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो जी अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ चावड़ी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज जाना इंस्पेक्शन के लिए गाड़ी के, 10:30 का टाइम हो रहा है, 10:30 बजे ही निकल रहा हूँ, मुझे लगा कि भाई थोड़ा बहुत वो लेट भी हो जाते हैं लोग बाग, तो मैं 10:30-11 बजे तक जाके अपना 11:30-12 तक वापस आ जाना चाहिए, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो चलते हैं भाई, दिखा के लाते हैं गाड़ी, इंस्पेक्शन क्या चेक होगा क्या नहीं होगा वो सारा कुछ बाद में आपको बताऊँगा, और पहले अपना जो है काम है वो करा लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे आराम से अपन। धूप ना काफ़ी कड़क है सुबह सुबह, और बाहर हवा है बहुत तेज, मतलब आजकल हवा काफ़ी तेज चल रही है 2-3 दिन से, दोपहर में तो आंधी सी चलती है, लेकिन धूप में जाओगे तो फिर गर्मी भी अच्छी वाली लगती है, वो हवा बस दिखाने के लिए है। इस रोड पे ना ओवरटेकिंग करना बड़ा मुश्किल होता है, स्कूटी को भी ओवरटेक करना मुश्किल होता है। आज मुझे जाना है इधर भी, यहाँ पे टेंपल है जो अगुंदेश्वर, वहाँ पे प्रोग्राम है, वहाँ पे आज उसका बर्थडे टाइप है, मतलब आज तो वहीं पे चलना है, आज वहाँ पूजा वगैरह है, तो आने के बाद फिर उधर चलेंगे। चलो जी, रोड खाली मिल गया, करते हैं ओवरटेक अपनी। तो इसका इंस्पेक्शन चल रहा है और इसमें जो है इंजन नंबर कहीं छपा हुआ नहीं है, इंजन पे कहीं होगा भी तो पता नहीं कहाँ लोकेशन है, प्लेट पे तो है, लोकेशन नहीं मिल रही मगर उसकी, तो कह रहे हैं कि कहाँ पे है देख लो आप, चेक करो। तो जी देखता हूँ अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो जी। तो जी वापस जा रहा हूँ, अभी लगभग 12:30-1 बजने वाला है, 1 बज गया पूरा, और गाड़ी इंस्पेक्शन हो गया है, गाड़ी का पूरा ओके है सारा कुछ, सारी डिटेल्स जैसे इस नंबर वगैरह सब उन्होंने चेक कर लिया, इंजन नंबर का बस वो लोकेशन मांग रहे थे कि लोकेशन किधर है, वो एक फ़ोटो मिल जाए तो वो बताना कि उसका एक फ़ोटो दे देना बस, तो मैं कहा चलो ठीक है, तो फिलहाल चल रहे हैं पहले वापस और कल लाके देखेंगे भाई क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा अभी इसमें, फिलहाल चलते हैं। बड़े अच्छे से बड़े प्यार से बात मतलब काम करा इस बार आरटीओ वालों ने, सबने बड़ा अच्छा लगा। तो जी ये देखो ये जाम लगा पड़ा है, ये जाम लगा पड़ा है इसकी वजह से ये उतार रहे हैं, अभी इधर भी क्या खुदाई शुरू हो जाएगी, ये अंडरग्राउंड शायद इलेक्ट्रिसिटी सारी जितनी भी है अंडरग्राउंड करेंगे, कुछ एरिया में चल रहा था ये काम मड़गांव की तरफ और ये चिंचनी और जो पूरा ये असोलना एरिया था और उधर बैतूल हो गया उस साइड, ये सारा हो चुका है और इधर अभी स्टार्ट होगा कानकोण एरिया में, तो ये केबल उतर रहे हैं बड़े बड़े, इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है जाम अपना। तो ये हो जाएगा ना, उसके बाद में क्या है बरसातों में जैसे यहाँ पे क्या ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो लाइट बहुत जाती थी, क्योंकि कहीं पे तार टूट गए कहीं पे कुछ हुआ इस वजह से, तो इसकी वजह से फिर वो दिक्कत जो है कम हो जाएगी। ये उतार दिया जी एक, इसको रख देगी साइड में, तो इतनी दूर खड़े होकर इन्हें पता भी नहीं कि इनका पीछे से वीडियो बना रहे हैं, इनका जो काम चल रहा है उसका, ये फ़ायदा है भाई आईफोन का, ये उठा के रखेंगे इधर शायद साइड में कहीं पे, चलने दो काम इनका। ओए लंबी लाइन लग गई है ट्रैफिक की, ये देखो कितना लंबा है यहाँ से वहाँ तक, बहुत पीछे खड़ा हुआ हूँ मैं, और अभी क्रेन हट गई तो हम शायद निकल जाएंगे, हल्की हल्की लाइन चल रही है,
तो जी अभी हम तीनों जा रहे हैं, अक्षु स्कूल से आ गया मंदिर की तरफ, अब जाते हैं मंदिर में और हाथ जोड़ के उधर से आएंगे, फिर पूजा वूजा जो है वो हो रही है। हाँ बर्थडे बोल रहे थे, हाँ तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पूरा उधर खड़ी करता हूँ। ये है मेन टेंपल यहाँ पे, अगुंदेश्वर टेंपल। अभी हमने हाथ जोड़ लिया अंदर और पूजा वूजा हो गई है, काफी बड़ा एरिया है ये। और ये है इधर सेकंड निर्गुणा देवी प्रसन्न, श्री निर्गुणा देवी प्रसन्न। तो जी यहीं से दिखाता हूँ मैं अंदर, हम कैमरा नहीं लेके जाते हैं ज़्यादा। बाकी ये उधर जो अगुंदेश्वर है, श्री अगुंदेश्वर प्रसन्न। तो इधर संगीत चल रहा है, भक्ति के गाने। उधर की तरफ वो है, हम भंडारा बोलते हैं, खाना खाना ना। तो जी अपना भोजन हो गया है और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, मतलब यहाँ पे जो प्रसाद टाइप उसको आप समझो, मतलब बट जो यहाँ का लोकल होता है बिल्कुल एकदम बना हुआ ऑथेंटिक। खतखते मोनिका को तो खतखते मिल गया, मतलब वो किसी अच्छी ओकेजन पे बनाते हैं ये लोग घरों में भी, और जैसे मंदिर वगैरह में कोई भंडारा, जैसे इसको ये बोलते हैं प्रसाद अपने तरफ मंदिर में भंडारा बोलते हैं, गुरुद्वारे में लंगर ऐसे। तो वैसे ही होता है साल भर में एक बार इनका ये होता है, और मतलब सब लोग जैसे ये शायद औरतों ने मिलकर बनाया है सब। हाँ वो यहीं पे, हाँ मंदिर में। हाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट था जो भोजन था, है ना। चलो अब चलते हैं, हम छोड़ के आए थे कैफे बीच में, मगर चलो आज लास्ट टाइम एक्चुअली था यहाँ पर मैं नहीं आ पाया था, उधर गेस्ट थे अपने कैफे पे उस दिन। तो जी फाइनल जो इसका मैनुअल मेरे पास रखा हुआ था, और जो वो चाह रहे थे ना कि ये इसका इंजन नंबर कहाँ है, तो मैंने मैनुअल चेक किया और मैनुअल में उन्होंने बताया यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में होता है जब आप सामने से खड़े हो। तो मुझे ये पता था लेफ्ट साइड में कहीं पर है, ऑलरेडी मैंने सर्च मारा था तो पता चला था। तो ये लोकेशन है, और मुझे लोकेशन पता चली इस डिब्बी से कि भाई इसी के नीचे है। और ये रहा जी, देखो यहाँ से दिखाता हूँ। तो जी ये मिल गया यहाँ पे इसका चेसिस नंबर, मुझे वो इंजन नंबर भाई बहुत मुश्किल से बड़ा परेशान हो के तब मिला, ये रहा यहाँ पे। तो भाई किसी को अगर दिक्कत है कहीं भी ढूंढना है तो ये यहाँ पे होता है भाई इस रूम में जो होता है, और मुझे लग रहा था यहाँ पे है ये, यहाँ पे वैसी चिट थी वो क्लीन हो गई, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था यार ऐसे नंबर प्लेट कैसे हट जाएगी गाड़ी की। और ये है यहाँ पे, चलो फाइनली भाई ये चीज़ मिल गई, कल जाके उन्हें फ़ोटो दे दूँगा छुट्टी। ये देखो ये क्या करता है ग्रे, ये इसे पता है कि ये आएंगे बंदे इस टाइम पर, यहीं पर खड़ा रहता है उस टाइम पूरा, हाँ वहां से देखता रहता है गाड़ी आने वाली है। हाँ ऐसे क्या है, बस थोड़ा मस्ती चाहिए। ये देखो गाड़ी खुलते ही पीछे आ गया, ये देखो अरे छोड़ेगा नहीं, वो काम नहीं करने देता है बिल्कुल भी। मैं इसलिए थोड़ा सा कम इसे लाड प्यार करता हूँ, मैं कम दिखाता हूँ थोड़ा सा, हाँ ऐसा नहीं है मुझे, मतलब है बड़ा मासूम लगता है पर मैं लाड प्यार कम दिखाता हूँ इसको, नहीं तो ये मुझे काम नहीं करने देता फिर। तो जी अभी बैठे हैं आरटीओ ऑफिस में, और जो काम रह गया था ना वो आज दिखा के इंजन नंबर और गाड़ी को फाइनल करके फिर पूछते हैं भाई कब तक ये चेंज हो जाएगी। और ये पीछे का व्यू देखो क्या मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये व्यू मुझे, हाँ बारिशों में तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है पीछे का व्यू। तो अभी बस थोड़ा सा हम जल्दी आ गए थे, एक्चुअली एक्सरसाइज करना आया था, सोचा एक्सरसाइज करके साथ के साथ ये काम निपटा के चलते हैं, फिर दोबारा आना पड़ता, नहीं तो एक चक्कर और मारना पड़ता मुझे। तो ये देखो ये व्यू देखो, तो ये अगर मैं मैनुअल में चेक ना करता ना
जो इसका इंजन नंबर है गाड़ी का तो पता ही नहीं चलता उसका, क्योंकि उस पर धूल बहुत जमी हुई थी, पता भी नहीं वहाँ पे कोई प्लेट लगी हुई है कि नहीं है। तो जी लास्ट व्लॉग में ना आपको वॉइस का प्रॉब्लम दिखा होगा, वो मुझसे बाई मिस्टेक ना जिस उससे सॉफ्टवेयर से मैंने ये एडिट किया था ना, वो पहली बार यूज किया था और मैंने वॉल्यूम उसमें बढ़ा दिया, थोड़ा इंक्रीज करने का वो था, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, जिसकी वजह से कि आपको वॉइस का बहुत प्रॉब्लम हुआ, अब नहीं होगा आगे, तो अभी वो समझ में आ गया मुझे। एंड खुशखबरी ये है भाई, सारे फाइल वाइल साइन हो गई आज, कोई अब डॉक्यूमेंट का काम नहीं बचा, मंडे आना है, मंडे यहाँ पे फीस जमा करनी है, जो भी ये फीस बताएंगे निकालेंगे, और उसके बाद में अपना हाँ यहाँ का नंबर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब आज जो ये इंस्पेक्शन वाला काम था वो पूरा हो गया, कंप्लीट कर दिया पूरा, अब कोई टेंशन नहीं है उसकी। अच्छा दूसरी चीज देखो, जब हमने ये शुरू किया था बड़ी इम्पॉसिबल सी चीज लग रही थी हमें ये, हाँ। कि पता नहीं कितनी अड़चने आएंगी, आई भी एक्चुअली। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ही हमारे पास थे नहीं, जैसे इनवॉइस थी, मतलब जैसे जैसे उन्होंने डिमांड करी मैंने वैसे वैसे कलेक्ट करता गया। उसमें टाटा मोटर्स ने भी मेरी हेल्प करी, मैं ये नहीं कहूंगा कि टाटा मोटर्स ने हेल्प नहीं करी, इवन तो यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने भी हेल्प करी, उन्होंने भी बताया भी ये डॉक्यूमेंट यहाँ मिलेगा, इसको यहाँ से लेके आओ, यहाँ से लेके आओ। तो जब आप पूछते हो ना जाके तो हेल्प हो ही जाती है, जब आप पूछते हो किसी चीज में टाइम लगता है पर हो जाता है। तो अभी जो अपने मैंने जिनसे फॉर्म वॉर्म भरवाया था उनसे भी बात करूंगा जाके, उनको भी मिलूंगा। ओए होए मेरी ना बोतलें खनक रही है पीछे, और ये क्यों रास्ता रोक के खड़े हैं? पता नहीं, ये देखो सारा रास्ता रोक के तीनों खड़े मेरा और मेरी पीछे जो है बियर की बोतलें खनक रही है आपस में, कड़ 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 कड़, कहीं टूट ना जाए, बस अगर टूट गई तो फिर मेरी आधी जान बाहर आएगी भाई। कुछ भी हो, दारू जब फूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है, लॉकडाउन में मुझे ये चीज महसूस हुई, एहसास हुआ। तो जी ये चीज ना मुझे लॉकडाउन में पता चली थी, मेरी एक हाफ ही मिला था बड़ी मुश्किल से और वो ही फूट गया था, लाइन में लग के लेके आया था लॉकडाउन में, दिल्ली की बात है, और फ्रिज में रखा था नीचे, पता नहीं कैसे वो पट, खैर वो दिन नहीं सोचना चाह रहा मैं। और अरविंदर पता क्या कर रहे हैं, पहले उसको देखा थोड़ी देर, देखा अभी मुझे ये समझ नहीं आया, देख के उसको क्या करना चाह रहे थे, या तो मुंह लगा के उसे पीना चाह रहे थे और फिर कपड़े को पोंछ के नचोड़ा पड़े। वो बहुत मेहनत की सामान था, मतलब कितनी मेहनत करी थी, किस टाइम जाके लगा था और किस टाइम मिला था। तो जी एनीवे चलो अब जल्दी ना अपना गाड़ी का नंबर गोवा का मिल जाएगा, अब देखते हैं क्या नंबर मिलेगा, रिवील करते हैं फिर नंबर आपको बताते हैं, तो आप पहचान लिया करोगे, अभी तो आप एचआर नंबर से पहचानते थे इसको, अब आप गोवा नंबर से पहचानोगे। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलते हैं अब, गाड़ी का डीजल वीजल फुल करा लिया मैंने। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब भी करना चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।